नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, आइसलैंड से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का आपको जानना बेहद जरूरी है। 360,000 की आबादी वाला यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र अनुवांशिक खोज में सबसे आगे रहा है। इस देश के वैज्ञानिकों ने अन्य देश के मुकाबले ज्यादा लोगों पर टेस्ट किए हैं। विश्व को हिलाकर रख देने वाली बात यह है कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें इस वायरस के कोई लक्षण नहीं थे, यानी खांसी, जुकाम, बुखार और मांसपेशियों में दर्द के जो लक्षण इस वायरस से जोड़कर देखे जा रहे थे। इस रिपोर्ट के आते ही वैज्ञानिकों के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। पर इससे भी ज्यादा हतप्रभ करने वाली खोज और भी सामने आई है। बताया जाता है कि यह वायरस मनुष्य की कोशिकाओं में पहले से मौजूद हो सकता है, जो अब जाकर क्रियाशील हुआ हो। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया हो, वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है, जिसका संक्षिप्त अर्थ यही है कि मानवता एक बड़े संकट में है और इसके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। वैसे इसमें कितनी सत्यता है यह तो वैज्ञानिकों की अनवरत रिसर्च से ही पता चलेगा, पर दुनिया किसी अनहोनी की आशंका से सहम जरूर गई है। अगर यह वायरस मनुष्य के भीतर ही मौजूद है और अब जाकर एक्टिव हुआ है तो इसका दायरा कितना व्यापक होगा उसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है। बावजूद इसके हमारे वैज्ञानिक इसका तोड़ खोज भी डाले तो एक साल से पहले इसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 चरणों में क्लिनिकल टेस्ट की प्रक्रिया को कम से कम 12 से 16 महीने लगते हैं। उसके नतीजे आने में भी काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस अंतराल में धरती से कितनी बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। पिछले एक हफ्ते से 3,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, जिसके आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ने के आसार हैं। हालत यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस बीमारी से अछूता नहीं है। स्पेन, इटली, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, तुर्की, जापान, ईरान, भारत, चीन, यानी सभी देशों में यह वायरस कहर बरपा रहा है। आज के दौर में कोई भी एजेंसी विश्वसनीय नहीं बची है जिसके आंकड़ों पर यकीन किया जा सके। प्रति सेकंड मरने वाले और बीमार लोगों के आंकड़े बढ़ते जाते हैं। जो चीन पिछले हफ्ते खुद को वायरस मुक्त बता रहा था, वहां फिर से यह रोग पैर पसार चुका है, जो आइसलैंड के वैज्ञानिकों के दावे की कहीं ना कहीं पुष्टि करता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में यह वायरस अभी सेशन काल में है, पर अनुभव कीजिए कि अगर यहां हालात बिगड़े तो देश का क्या मंजर होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत, मरीज और डॉक्टर के बीच का अनुपात, दवाइयों की अनुपलब्धता, ऊपर से धर्मांतरता और गरीबी से जूझता एक बड़ा तबका, वायरस का संक्रमण या उसकी उत्पत्ति एक बड़ी आबादी के लिए विनाश का कारण बन सकती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों का तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि दुनिया की सरकारें इस बीमारी से संबंधित आंकड़ों की वास्तविक संख्या को छिपा रही है, वरना मरने वालों की तादाद कई गुना है। संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो यकीनन यह दुनिया पर एक बड़ा संकट है। इस वक्त उन नेताओं की परीक्षा भी हो रही है जिन्हें ज्यादातर लोग कोसते दिखाई देते थे, जिन लोगों को राजनेताओं के राज से ठाट बाट से चिढ़ होती थी, आज जनता ने अपनी सारी उम्मीदें उन पर लगा रखी है। इन राजनेताओं को शायद पहली बार अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से आभास हुआ है, इसलिए मानवता को बचाने की जंग में बहुत से राजनेता योद्धा अवतार में सामने आ रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि जब समस्या का समाधान ही नहीं है तो वे सांत्वना से ज्यादा क्या दे सकते हैं। जो लोग इस बीमारी से बच निकले थे वे भी फिर से इस रोग की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे में बचाव के तरीके भी निष्फल हुए जाते हैं और हर दावे की हवा निकलती दिखाई देती है। आज दुनिया की 4 करोड़ आबादी लॉकडाउन का सामना कर रही है, परंतु इस लॉकडाउन का कोई सार्थक नतीजा तब तक नहीं निकल सकता जबकि वैज्ञानिक वायरस रोधी वैक्सीन नहीं खोज लेते। यह ठीक वही स्थिति है कि बारिश से बचना है तो घर में छुप जाइए, बाहर निकलेंगे तो फिर भीग जाएंगे। बारिश तूफानी है जिसके रुकने के आसार नहीं है, यानी जोखिम दोनों ही हालत में है। बाहर गए तब मरे, नहीं गए तब मारे गए। सरकारों के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इस बीमारी की डेडलाइन को घोषित कर सके। ऐसे में वैज्ञानिकों की निरंतर आ रही रिपोर्ट और अधिक दहशत पैदा करती है। लोग लॉकडाउन में जरूर हैं, पर वे कब तक रह सकते हैं? मानव स्वभाव इसका आदि नहीं है, या तो पालतू जानवर का भी खूंटा बदलना पड़ता है। ऐसे में मनुष्य शायद ही अधिक दिनों तक खुद को नियंत्रित कर पाएगा, पर यह कल्पना जरूर दहशत पैदा करती है कि जिस दिन लोग अनियंत्रित होंगे उसके बाद मानवता किस स्टेज में होगी।
अमेरिका जैसे देश जिसे सर्वाधिक अनुशासित देशों में शुमार किया जाता है ऐसे ही हालातों की ओर बढ़ रहा है। जनता में बेचैनी बढ़ने लगी है और वह कभी भी बेकाबू हो सकती है। पर यह सब अमेरिका में ही नहीं होगा, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में यह तांडव शुरू भी हो चुका है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।